तो भाई आज हम लोग खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप का फाइनल। जी हाँ गाइस, वही वर्ल्ड कप जिसकी सीरीज हम लोग इतने दिनों से कंटिन्यू करते आ रहे हैं अपने चैनल पे, जिसके एक एक मैच ने हमें दिलासा दिया है कि इस साल का वर्ल्ड कप हम जरूर जीतेंगे और जीत कर ही रहेंगे। तो भाई अब बिना फालतू टाइम गवाए सीधा हम लोग जाते हैं हमारे ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे हमारे कोच सर हमें फाइनल के लिए एक भारी भरकम स्पीच दे रहे हैं। हमारी रणनीति यही कि चाहे कुछ भी हो, हमें इतनी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, इतनी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए कि उनकी पूरी टीम जीरो में आउट हो जाए। फिर क्या, हमें सिर्फ एक ही रन बनाना होगा, वो हम आसानी से बना सकते हैं और हम जीत जाएंगे। वाह क्या स्ट्रेटेजी बताइए दोस्तों, तालियां हो जाए कोच सर के लिए। और गाइस यहां पे स्टेडियम में एंट्री होते हुए वर्ल्ड कप के साथ हमारे दोनों टीमों की, टीम इंडिया एंड टीम ऑस्ट्रेलिया। वाह क्या कट सीन है यार। तो गाइस हमारा फाइनल मैच फाइनली हो रहा है अहमदाबाद में। ये पहला ऐसा मैच है जिसका स्टेडियम एक्यूरेट बताया इस गेम ने, वरना तो बाकी सारे स्टेडियम तो उथल पुथल कर दिए मैच के। तो गाइस यहाँ पे टॉस की तैयारी, दोनों कप्तान टॉस के साथ में रेडी, हमने ले लिया हेड्स। पूरे टूर्नामेंट में हम लोग ने 90% बार ये टॉस जीत ही लिया है, बट आज क्या होगा, फिर से जीत गए भाई। और गाइस आज के लिए तो बनता है, आज सब लोग खड़े हो जाओ। भारत माता की जय। और हमारे सारे टीम इंडिया के प्लेयर्स एक बार फिर से घेरा बना के मैच के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए, और ऐसा ही घेरा मैच को जीतने के बाद भी बनना चाहिए जैसा लास्ट वर्ल्ड कप जीतने पे बना था। तो भाई पहला ओवर हम लोग दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि ये बंदा जब भी यॉर्कर लेता है ना तो सामने वाला एक भी रन ही नहीं मार पाता है। जैसा कि हमारे कोच सर ने हम लोग को बताया था कि हमारी रणनीति यही होनी चाहिए कि हम सामने वाली टीम को बिना रन दिए 10 विकेट उससे उड़ा। तो गाइस यहाँ पे तो हिट मार दिया है भाई, एक और रन ले लिया है भाई, और ये भाई रन आउट। यस पहली बॉल, सॉरी दूसरी बॉल, और गाइस रन आउट जा चुका है। हम लोग हमारे कोच सर के नक्शे कदम पे बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, बट भाई उन्होंने बोला था एक भी रन नहीं देने, हमने एक रन दे दिया है। बट कोई बात नहीं गाइस, 10 विकेट लेने तक 10 रन ले लेंगे ये लोग, मेरे को चलेगा, 10 रन तो हम लोग बना ही सकते हैं। भाई क्या ओवर चल रहा है यार, क्या ही ओवर चल रहा है, सिर्फ 4 रन दिए और एक विकेट भी ले लिया, अभी तक एक भी हिट नहीं गई है गाइस। और ये ओवर की आखिरी गेंद, ये भी पकड़ लिया भाई, इस पे तो मैंने बाउंड्री एक्सपेक्ट की थी। जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, पर दूसरा ओवर हम दे रहे किसी स्पिनर को, और कुलदीप यादव से अच्छा स्पिनर और कौन हो सकता है। ओ भाई पूरे टूर्नामेंट में ना देखो कुलदीप यादव का रिकॉर्ड है, जब भी ये बंदा बॉलिंग करने आया ना इसने एक ना एक विकेट तो ली है। क्या आज हमें फिर से देखने को मिलेगा भाई, और एक रन भाग लिया, फिर वही सेम सीन हो गया गाइस। पहली ओवर में दूसरी बॉल पे रन आउट हुआ था, दूसरी ओवर के भी दूसरी बॉल में रन आउट हो चुका है गाइस। दो और अभी तक एक भी हिट नहीं गई है, सबसे बड़ी बात। और ये तीसरा बॉल भाई, ये कहाँ उड़ा दिया तूने, अरे भैया भाई ये जो मैंने फील्ड रखी है ना, ये पूरी फील्ड एक नंबर है, 90% टाइम है ना ये फील्ड कभी धोखा नहीं देती, बस एक बार धोखा दे देती है क्योंकि वहाँ पे पीछे साइड फील्डर नहीं है जहाँ पर इसने मार दिया। मेरे को लग रहा है उसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कम ऑन कुलदीप यादव, एक विकेट ले ले भाई। भाई तेरा काम क्या सिर्फ एक ही विकेट का था क्या भाई, दो हिट लग गई यार इस ओवर में तो। अरे तीन हिट लग गई भाई, तेरे को और कोई जगह नहीं दिखती है क्या, पूरे स्टेडियम में वही एक जगह पे मार रहा है बार बार तेरी तो। कोई बात नहीं गाइस, दो ओवर में 20 रन गए हैं, दो विकेट भी गए हैं, मैच दोनों तरफ से बराबरी पे ही चल रहा है, हमारी तरफ से विकेट भी जा रही है, उनकी तरफ से रन भी बन रहे हैं। तो तीसरा ओवर मैंने दिया भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि भाई हमें फिर से यॉर्कर डालना है, और यॉर्कर डालने के लिए एक और फास्ट बॉलर तो चाहिए भाई। यॉर्कर के साथ थोड़ी डिफरेंट बॉल भी ट्राई करनी पड़ेगी, काश मैंने डिफरेंट नहीं ट्राई किया होता भाई। जिंदगी में कभी कभी ना डिफरेंट चीजें मत ट्राई करो, जो सही चलता है वही चलने दो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। तो भाई मेरे को लग रहा है वो सेम फील्ड के ऊपर अब विकेट नहीं आएगी, इसके लिए मैंने फील्ड चेंज कर दिया भाई। आधा इनिंग उसी फील्ड पे हम लोग ने निकाल दिया, और बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला है, बट मेरे को लग रहा है ये फील्ड हमें विकेट दिला सकती है। और ये बॉल जो कि उड़ा दिए पीछे फील्डर, और ये विकेट। जी हाँ गाइस,
हम लोग सिर्फ रन आउट नहीं ले रहे हैं, हम लोग ने कैच आउट भी ले लिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और ये ओवर की आखिरी बॉल, ओ तेरी, ये तो सीधा मुंह पे लग गया। सॉरी मैक्सवेल भाई, गुजारिश करता हूँ। तो गाइस चौथा ओवर हम लोग दे रहे हैं जडेजा को। तो गाइस जडेजा ने लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार मेरे को लगता है। गाइस और ये एक और बॉल जो कि पीछे फील्डर है पकड़ लिया। यस, इसीलिए गाइस मैंने इस फील्ड को रखा था। तो भाई हमारी हर ओवर में एक विकेट लेने की प्रथा अभी भी जारी है। भाई हम लोग ने मैक्सवेल का विकेट ले लिया। सॉरी मैक्सवेल भाई, बुरा मत मानना भाई मैक्सवेल का, बट इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है यार, यहाँ पे हम लोग ने जीरो पे कैसे आउट कर दिया उनको। मार्कस टॉइनिस है मैक्सवेल के बदले, ये आके मार रहा है। और ये चली चली गेम चली, पीछे फील्डर छक्का है गाइस। भाई जडेजा क्या कर रहे हो तुम भाई, ये जडेजा की आखिरी बॉल है। एक विकेट तो ले लिए बंदे ने यार, अब और ही क्या करे। और फिर से उड़ा दिया, फिर से पीछे फील्डर और फिर से कैच आउट। मेरे को जडेजा से सारी उम्मीदें थी, बट अभी एक बंदा है जिससे पूरी देश को उम्मीदें हैं, जो कि है मोहम्मद शमी। इसको मैंने जानबूझ के लास्ट ओवर में उतारा, मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले आज हमको बहुत पीटेंगे, इसके लिए मैं शमी को लास्ट में उतारने वाला था। बट आज का मैच तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये ऑस्ट्रेलिया वाले फाइनल खेल रहे। इतनी अच्छी बॉलिंग तो कभी कर नहीं पाता था, आज मैंने सब ट्राई किया। अरे ये नहीं ट्राई करना चाहिए था। लेट्स गो गाइस, शमी भाई विकेट ले लो। और ये विकेट, शमी भाई ओवर डालने आए और विकेट नहीं जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो गाइस और ये इनिंग की आखिरी बॉल, भाई आज तो किसी ना किसी का मुंह फूट के ही रहेगा मेरे को लग रहा है। तो गाइस इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म होती है। उन लोगों ने 50 रन बनाए और हमें दिया 51 रन का टारगेट। तो हमारे वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ 51 रन पीछे हम लोग। और आज मैं सिर्फ बड़े बड़े बैट्समैन को उतारने वाला हूँ, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो अगर ये दोनों उतर गए तो हम लोग को और किसी की जरूरत ही नहीं है। और ये पहली बॉल देखो छक्का जाएगी, ये देखा भाई मेरा टाइमिंग एकदम परफेक्ट हो चुका है, अब तो छक्का जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाई मेरे को तो लग रहा है दो ओवर में मैच खत्म है भाई। और ये एक और छक्का, भाई आज मेरे को क्यों लग रहा है मैं 6 बॉल में 6 छक्के मार दूंगा। भाई अब विराट कोहली स्ट्राइक पे और एक हिट उड़ा दी है, चौका, नाइस। और ये चला एक और बॉल, ये भी चौका। भाई 30 रन चाहिए यार सेकंड ओवर में अगर जीतना है तो। भाई ये तो तुम लोग ने टफ कर दिया। गाइस एक बार फिर से विराट कोहली हमारे स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अब मेरे को मालूम है कौन से साइड में शॉट मारना है। अरे यार गया, इतने इजी मैच में भी विकेट जा रहा है भाई। तो भाई अब केएल राहुल आ रहा है, मेरे को मालूम है कि अब एक भी विकेट नहीं जाने वाला है, अब ये दोनों जन जीता ही देंगे मैच को। Meanwhile, बहुत लंबा नहीं जाने वाला है गाइस ये मैच। इसको तो डक पे आउट कर दिया। सूर्य कुमार आ चुका है गाइस, जो कि अलग ही फॉर्म में चल रहा है हमारे गेम में, जैसा कि आपने सेमीफाइनल में देखा होगा। भाई बंदे ने 60 रन बना दिए थे सिर्फ 11 बॉल में। और ये गया, वाव। और ये दूसरी बॉल, सूर्य कुमार ने भेजा बॉल को सूर्य की तरफ, स्काई की तरफ। भाई इन लोग ने भी देखो हमारा सेम फील्ड रखा है, कॉपी कैट्स, ऑस्ट्रेलियन यू कॉपी कैट्स। भाई सूर्य कुमार की विकेट जाएगी यार, ये तो नहीं एक्सपेक्टेड था। भाई दो ओवर में हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब लग रहा है तीसरा ओवर ही लगेगा हम लोग को जीतने के लिए। एक शॉट, भाई अभी 20 रन बनाने हैं भाई। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी एक अच्छा खासा ठीक ठाक ही स्कोर बनाया था, वो तो हम लोग ने इतना अच्छा खेल लिया था। और ये शॉट और कहीं कोई नहीं मार सकता, रोहित शर्मा तो ज़रूर मार सकता है। और ये चला अगला बॉल चौके की ओर। तो भाई इसी शॉट के साथ में हम लोग ने बराबरी कर लिया ऑस्ट्रेलिया टीम की 50 रनों की। और अब एक शॉट और मैच खत्म। भाई ये ऑस्ट्रेलिया है गाइस, ये लोग इतना जल्दी से हम लोग को कप नहीं लेने देंगे। मेरे को लग रहा है अब मुझे उतारना चाहिए रविंद्र जडेजा को। कम ऑन भाई, एक रन बनाने के लिए तेरे को बुलाया है, मार देना एक रन, विकेट मत लेना बस। और ये छक्का, यस, क्या खत्म किया है मैच को छक्के के साथ में। इंडिया 1/6 विकेट, वर्ल्ड कप कहाँ है, वर्ल्ड कप कहाँ है। अरे यार फिर से वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया, हट तेरी। तो गाइस हमारे मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा ही है, जिन्होंने 2 विकेट भी लिए और साथ में छक्का मार के मैच भी जीता है। और ये क्या मैन ऑफ द सीरीज भी रविंद्र जडेजा है। भाई कितनी ट्रॉफी ले जाओगे घर पे आज।
भाई हमको तो ये वर्ल्ड कप से मतलब है भाई, वर्ल्ड कप फाइनली अब हमारा है भाई। उसको नीचे क्यों रखा है यार, उसको उठाओ थोड़ा हाथ में। और क्या भाई, बस इतना ही था भाई, मेरे को तो लगा और ज्यादा कट सीन्स होंगे, बट कोई बात नहीं, फाइनली वर्ल्ड कप हमारे घर में आ चुका है। आई होप कि फाइनल का मैच भी इंडिया जीत जाए, जिससे कंफर्म हो जाए कि वर्ल्ड कप घर पे ही आ रहा है। तो गाइस इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया है, अब दूसरा कोई ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस सजेस्ट करो कि अब कौन सी नई सीरीज स्टार्ट की जाए।